खुश आमदीद मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पे आपकी तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया आज कुछ गुफ्तु करूँगा अंग्रेज़ी में जिसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशंस। उर्दू में इसका तर्जमात बनता है आम से अमूमयात अब यहाँ पे जब भी हम अपने स्टूडेंट्स को लिखने के बारे में पढ़ाते हैं या अदब के बारे में गुफगू करने के बारे में पढ़ाते हैं या आम ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ के बारे में पढ़ाते हैं तो हम हमेशा उनको ये नसीहत करते हैं कि जनरलाइजेसन मत करना किमूमत मत करना मतलब उसका क्या हुआ जनरलाइजेसन या किसी चीज़ को अमूमी बनाना उसमें ये चीज़ शामिल होती है कि आप किसी भी एक गिरोह को एक ही किस्म की खसूसियात बग़ैर सोचे समझे उनके बारे में कहना शुरू कर दें कि यार यहाँ के लोग बहुत जायल हैं यहाँ के लोग जो हैं बहुत सख्त दिल हैं इस मुल्क के लोग बहुत मिलनसार हैं ये सब जो हैं जनरलाइजेस हैं अमूमिया अब उसमें होता क्या है कि क्योंकि हम एक फोकस ज़रिए से किसी ग्रो या उसके एक मेंबर या किसी एक ग्रो के बीच में छोटे ग्रुप के बारे में तफसीली तरीके से नहीं सोच रहे तो जो जनरलाइजेसन्स होती हैं वो हमें इस चीज़ की एक किस्म की इजाज़त देती हैं कि हम बग़ैर सोचे समझे लोगों को लेबल करते रहें और उनके बारे में किसी तरह के भी ख्याल उनका इजहार करते रहें या उन पर यकीन करते रहें अब ज्यादातर सियासतदान लोग जो हैं वो अमूमियात का इस्तेमाल करते हैं जनरलाइजेशंस का क्योंकि उन्होंने कुछ लोगों को अपने साथ रखना होता है तो वो हमेशा कहते हैं ये लोग ये हैं जी ये ऐसे हैं ये लोग करप्ट हैं ठीक है ना अब उसमें लीडर भी करप्ट हो गए और उनके साथ जो लोग हैं उनको भी आपने शामिल कर लिया अदबी लिखाई में जर्नलाइजेशन जो जे अमूमियात जो हैं वो आपके लिखे को कमज़ोर बना देती है क्योंकि अगर आप फर्ज किया किसी भी नावल के बारे में एक मकाला लिख रहे हैं ऐसे लिख रहे हैं तो आप अगर शुरू ही इस तरह करते हैं कि दुनिया में दो जगह हैं जी वेस्ट और ईस्ट वेस्ट के लोग जो हैं वो इस तरीके से सोचते हैं ईस्ट के लोग इस तरीके से सोचते हैं दो बड़ी बड़ी जनरलाइजेस आपने उठा ली ये नहीं सोचते हुए कि वेस्ट में करोड़ों लोग रहते हैं उनमें से कुछ की सोच ऐसी हो सकती है कुछ सोशलिस्ट हो सकते हैं कुछ कैपिटलिस्ट हो सकते हैं कुछ मुसलमान भी हो सकते हैं इसी तरह ईस्ट छोटी सी जगह तो नहीं है न आधी दुनिया बनती है तकरीबन, लेकिन ये जो जर्नलाइजेस होती हैं ये आप अगर अपने मखाले में लिख दें बगैर सोचे समझे तो कोई भी जो उसको पढ़ेगा वो ये कहेगा कि यार ये क्या आप ऐसे बैठे बैठे इतनी बड़ी बड़ी अमूमियात का इस्तेमाल कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी जर्राइजेस का इस्तेमाल कर रहे हो इसी तरह जब आप बहस कर रहे हैं किसी नावल के बारे में किसी शॉर्ट स्टोरी के बारे में तो वहाँ भी जनरलाइजेशन जो है उनको अवॉइड करना चाहिए कि अगर आपने एक पाकिस्तानी लिखारी की शॉर्ट स्टोरी पढ़ी तो आप ये नहीं जनरलाइज़ कर सकते कि ये पाकिस्तानी स्टोरी ऐसी होती है क्योंकि वो लिखने वाले की सोच अलग हो सकती है उनकी क्लास अलग हो सकती है उनका इलाका अलग हो सकता है तो ये हमेशा कोशिश ये करनी है कि जब भी आप कुछ लिख रहे हैं या किसी किताब के बारे में नज़म के बारे में अपने ख़याल का इज़हार कर रहे हैं ज़ुबानी या लिख कर या अगर आप किसी सियासी मसले पर अपना इशार ख़्याल कर रहे हैं तो ये बात अपने जहन में ज़रूर डालिएगा अपने आप से ये ज़रूर पूछिएगा कि यार ये मैं फोकस करके तहकीक करके ये बात कह रहा हूँ या ख़ाली जनरलाइज़ कर अब जनरलाइजेशन जो है कॉलोनियलिज्म में भी और वैसे भी बहुत अहम काम अदा करती है पावरफुल लोगों के लिए ठीक है ना जो रेसिस्ट हैं उन्होंने कह देना कि जिन्हें ब्राउन किस्म के लोग ने या काले किस्म के लोग ने वो कमतर ने ह्यूज जनरलाइजेशन हो गई ना और उसके ऊपर फिर पॉलिसीज़ बनती हैं इसी तरह हमारे इलाकों में औरतों के बारे में बहुत सारी जर्नलाइजेशन्स जो हैं वो बयान की जाती हैं फिर उस पर सोशल सिस्टम डेवलप होता है उस पर जो है कवानी बनते हैं तो जब भी ज़िंदगी में क्लासरूम में किसी किताब को पढ़ते हुए या उसके बारे में लिखते हुए हमेशा इस चीज़ पर नज़र रखें कि क्या आप जरलाइजेस तो नहीं कर रहे क्या आपके इस जर्नलाइजेशन तो नहीं कर रहे पर क्या आप बतौर स्टूडेंट के ख़ुद इस चीज़ के मरतकब तो नहीं हो रहे और कोशिश ये कीजिएगा कि अगर आप कोई एक जर्नलाइजेशन जो है अपने ऐसे में इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो वहाँ फुट नोट दे दें कि जी मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी जर्नलाइजेशन है लेकिन स्ट्रेटिजिकली मैं इसकी ज़रूरत समझता हूँ इसलिए मैं इसको, इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि कोई अगर रिव्यू कर रहा है आपके ऐसे को पढ़ रहा है या ग्रेड कर रहा है तो उसको ये पता चल जाए कि आपको इस चीज़ का फर्क पता है कि फोकस रिसर्च करके लिखा गया अलग होता है और बड़ी बड़ी जनरलाइजेशंस मुंह से बोल देना या लिख देना वो अलग और कमज़ोर किस्म का स्कॉलरशिप है कमज़ोर किस्म की तहक़ीक है लेकिन सबसे अहम इस दुनिया में जिसमें आप रह रहे हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान में अगर कोई लीडर जो है वो नारे मार रहा है बड़ी बड़ी जनरलाइजेशंस आपको पेश कर रहा है तो बतौर शहरी के आपका काम है उससे फोकस्ड किस्म के सवाल पूछने अगर कोई इमरान खान कहता है जी मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा ठीक है ना आप उससे पूछो कैसे ख़त्म करोगे ठीक है ना आपका लाए अमल क्या है प्लान क्या है क्योंकि जर्रलाइजेस आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है और अगर जज्बाती हो तो उसमें शामिल कर दी जाए तो बहुत सारे लोग भी आपके साथ शामिल हो सकते हैं तो इसलिए मैंने सोचा इस मौजु पे कुछ थोड़ी सी आपसे गुफ्तु कर लूँ इसका आपकी तहकीक तहकी में भी इस्तेमाल है आपके अपने पढ़ने लिखने में और दुनिया की समझ में भी और दूसरों के साथ जो आपके तल्क हैं उसमें भी इसका असर पड़ता है कि क्या आप हर एक शख्स को अलग, अलग समझ कर उनके साथ बातचीत करते हैं या क्या उनको उनके इलाके की वजह से उनके क्लास की वजह से जेंडर की वजह से उनको जनरलाइज करके उनके बारे में अपने ख़यालत का इज़हार करते हैं तो ये चीज़ जहन में रखिएगा तो इसको जहन में रखिएगा कोई आपके सवालात हों कोई आपकी सजेशंस हों तो बर करम कामेंट्स में डाल दीजिए और कोशिश कीजिए कि इस चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाएं मैं आहिस्ता आहस्ता इस पर और मवाद जो है वो डेवलप करता रहूँगा ताकि जो कोई जो कोई भी इस चैनल की वीडियोस को देखे कम से कम उनको मुख्तलिफ तरीके से सोचने की यू नो you know, सलाहियत मिले लेकिन हौसला भी मिले तो बहुत शुक्रिया खुश रहें आबाद रहें आज़ाद रहें खुदा हाफ़िज़